स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में आप दर्शन करोगे मुंगीपा बाबा के, जो कि तोसाम हरियाणा में है, और उसके बाद तोड़ेंगे कुछ अलग तरीके का फल, फिर देखने जाएंगे गेहूं की कटाई जो कि मैंने कभी नहीं देखा, और उसके बाद बनाएंगे खेत के अंदर चाय। इतने सारे एडवेंचर देखने के लिए कहानी के साथ पूरी तरह से जुड़े रहिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह सुबह का टाइम है और अभी हम सारे, जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि मैं हिसार आई हुई हूँ और रात को गांव आ गए थे हम हिसार के अंदर। कौन सा गांव था? बालावास। तो हिसार से थोड़ी सी आगे है हिसार के, थोड़ी सी पास ही है बालावास। तो हम वहाँ आ गए थे रात को, तो रात को वहीं पे स्टे करा था। और अभी अभी सो के उठ चुके हैं सारे के सारे। तो टाइम हो रहा है 6 बजे के करीब, और पीछे देखो खेत ही खेत है, और जो घर है ना वो भी खेत के बीच में ही है। तो अभी हम थोड़ा सा टहलने में निकले हैं छोटे छोटे बच्चे, तो दिखाती हूँ मैं आपको सारे। तो अभी थोड़ा सा ऐसे टहलने के लिए आया है, मारेंगे नहाएंगे और फिर उसके बाद थोड़ा सा ना घूमने के लिए जाएंगे पहाड़ पे। यहाँ आस पास में ही पहाड़ है, मतलब ज़्यादा ऊँचा पहाड़ नहीं है और वैसा भी पहाड़ नहीं है, जैसे वो होते हैं ना पत्थर के पहाड़, तो वैसा पहाड़ है। तो वहाँ जाएंगे, तो थोड़ा सा घूमते हैं यहाँ पे, वॉक करते हैं सुबह सुबह की मॉर्निंग वॉक, क्योंकि ऐसी वॉक तो दिल्ली में करने को नहीं मिलेगी ना, तो इसलिए मैंने सोचा तो चलो चलते हैं थोड़ा सा। तो अभी 6 बज रहे हैं सुबह के, तो वैसे तो हम खेत में ही घूमने जा रहे थे, तो ये छोटे छोटे बच्चों ने बोला कि यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, झोड़, तो यहाँ पे झोड़ है, तो वहाँ चलते हैं। वहाँ पे ना नज़ारा बहुत अच्छा आएगा, तो वहाँ पे जाके व्लॉग स्टार्ट करना, लेकिन व्लॉग तो मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो बाकी नज़ारा मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये झोड़ है, मतलब एक तरह से तालाब की तरह पानी यहाँ पे इकट्ठा हो गया है, इकट्ठा रहता है, और यहाँ पे लोग भैंसों को नहलाने के लिए और क्या होता है पानी, खुद भी नहाने के लिए नहाते हैं लोग इसमें, खुद भी नहाने के लिए, और डक्स सामने, बतख भी है उसके अंदर। और अभी जब सनराइज होगा ना, तब ये और सुंदर लगेगा। थोड़ा और आगे चलते हैं, उजाला होता जा रहा है, और ये देखो नज़ारा कुछ ऐसा है। गहरा है क्या ये? गहरा है तो फिर जब गहरा है तो लोग नहाते कैसे हैं? फिर तैरना आता होगा, वो घाट सा बना हुआ है वहाँ पे, उधर वो रहा ना सीढ़ियाँ, एक साइड कुआं भी, एक उधर है, एक उधर है घाट, बाकी एक इधर भी है नहाने वाले। तो रेडी हो चुके हैं हम सारे जाने के लिए, तो अब चलो चलते हैं, गाड़ी तैयार है और अब निकलना है बस, तो चलो चलते हैं। हमें जहाँ पे आना था हम आ चुके हैं। तो ये तो शाम जगह का नाम है और भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है, तो मंदिर है, और यहाँ से मंदिर की चढ़ाई है, थोड़ा सा ऊपर जाके मंदिर है, हनुमान जी सामने आपको दिख रहे होंगे। तो चलो चलते हैं अंदर मत्था टेकते हैं, और टाइम सुबह के 7 बज रहे हैं, चलो चलते हैं। ऊपर जाके पता करते हैं कि मंदिर के बारे में सारा, तो फटाफट से चढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहाड़ जो है ना, पत्थर पत्थर जैसे पहाड़ है, तो इन्हीं पहाड़ों का ना तोड़ तोड़ के रोड़ी पत्थर बन के इस्तेमाल होती है कंस्ट्रक्शन में। तो देखो ऊपर पहाड़ कैसे हैं, देखने में आपको पता चल रहा होगा, हरियाली वाले पहाड़ नहीं है यहाँ पे। तो चलो अभी मंदिर थोड़ा और ऊपर है, तो चलते ऊपर, चलो आ जाओ। तो ज़्यादा ऊपर नहीं है, पहुँच ही गए बस। वो कितना सुंदर लग रहा है वहाँ से, वो कितना सुंदर लग रहा है। तो ये पूरा तोसाम, मतलब तोसाम है पूरा। तो मुझे इतनी थकान नहीं हो रही है, आराम से चढ़ा गया, तो ये फ़ायदा है एक्सरसाइज करने का रोज। और कुछ बहुत कईयों को बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। आजो 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 आजो, चलो चलो पहुँच गए।
तो मंदिर पीछे था, मत्था हमने टेक लिया है, अभी नीचे आके मंदिर के बारे में जानकारी लेंगे। और बाकी थोड़ा सा ट्रैक है ये, और पीछे आप पहाड़ देख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे हरे भरे पहाड़ नहीं होते, यहाँ पे पत्थर के पहाड़ है और रोड़ी पत्थर बनाने में काम आते हैं, तो वो भी अभी नीचे जाएंगे ना तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलो थोड़ा सा ट्रैक करते हैं। बाकी हम नंगे पैर आ गए, हमारी थोड़ी सी गलती है कि हमें पत्थर चुभ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, चलो चलते हैं। बाकी यहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर आ रहा है, पीछे ना बहुत खेत खेत खेत, जितने खेत हैं पूरा गांव नज़र आ रहा है यहाँ से। बाकी ऊपर से और अच्छा व्यू आएगा, तो ऊपर चलते हैं। पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर ऐसे कोरा कोरा सा है, बादल है, कोरा है, समझ नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सुंदर सा लग रहा है। वो बहुत दूर है, मुझे लगा था कि हम सिर्फ ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन अभी पता चला कि बिल्कुल ऊपर जाके भी मंदिर है। तो अभी ऊपर भी मंदिर है, मत्था टेकते हैं। बाकी मैंने देखा जितने भी पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ की हर चोटी पे छोटा बड़ा मंदिर होता ही होता है। तो हम दिल्ली से आए हैं, तो हमें मंदिर के बारे में, इतिहास के बारे में कुछ आप बताओ। इतिहास तो ऐसा है, यहाँ गोपीचंद भट्टी और बाबा मुंगी पादो चंद्रावल लेडीज हैं, वो आए थे यहाँ, तो जोग धारण करने के बाद में फिर यहाँ तपस्या, ऊपर प्राचीन मंदिर है शिव भगवान का, वहाँ तपस्या करी और यहाँ जो स्थान है अब यहाँ समाधि ली। तो कितना पुराना मंदिर आप? ये तो कई पीढ़ी हो गई हम सुनते हैं, गोरखनाथ के टाइम की बात, गोपीचंद भट्टी राजा और बाबा बने हो भी उन्यास लिया उन्होंने राजा थे, तो ये तो यानी के मान लो ज्यादा टाइम हो। क्या बोलते हैं इसको? क्या बरबंटे किसे आवाज अच्छी है? ये देखो ये खाने का है, ये ना गिले गिले हो ना और भी स्वादिष्ट हो। अच्छा दिखाना, ये तो ये देखो बरबंटे। हाँ। मंदिर पे ये पेड़ है, देखो हमने यहाँ पे भाभी बता रही है कि खाते इसको, खाओ। अच्छा ये तो ऐसा है ना, देखो बीज के अंदर, खा के देखो, तोड़ू बरबंटे। तू कर चेक कर दे, एकदम बढ़िया बरबंटे, मैंने तो पहली बार देखा इसको। टेस्टी नहीं है, पहले कॉफी बहुत होते थे, ये अब नहीं है, ना मीठा ना खट्टा है, ये पकने के बाद मीठे होते हैं, मतलब कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा इसका। तो यहाँ से दिख रहे हैं मतलब पहाड़ों पे छत्ते लगे हुए मक्खी के, तो इन्हें पहाड़ी मक्खी बोलते हैं, देखो कितना बड़ा छत्ता है। तो मैंने कई जगह ऐसे पत्थर लगे हुए देखे, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 1983, तो इसका मतलब मंदिर कुछ ज्यादा ही पुराना है। मंदिर के बारे में अभी हमने पंडित जी से पूछा, तो उन्होंने बताया जिस हिसाब से, तो आपको थोड़ा समझ आया होगा। और बाकी ये पीछे आप देख रहे हो पूरा तूफान शहर है, आप इसे देख रहे हो, पूरा तूफान गांव है और गांव के अंदर ही मंदिर बना हुआ है पूरा ऊपर पहाड़ पे आके। तो चलो अब चलते हैं, दर्शन हो चुके हैं, अब नाश्ता करते हैं, 8 बजने वाले हैं, तो सारे भूखे हैं और मुझे भी बहुत भूख लगी है, तो चलो हम नीचे उतरते हैं और कुछ खाते हैं। सुबह 8 बजे का टाइम है, तो यहाँ पे काफ़ी दुकानें बंद थी, एक आधी दुकान खुली थी, तो उनमें से हमें ये शॉप मिली, तो जहाँ पे पूड़ी और भटूरे और छोले मिल रहे थे, तो हमने भटूरे और छोले ऑर्डर करे। तो चलो अब यहाँ के भटूरे और छोलों को ट्राई करते हैं। नाश्ता हो चुका है और यहाँ पे खाया था नाश्ता, तो चलो अब घर चलते हैं, मतलब जहाँ पे आए थे ना गाँव, तो वहाँ चलते हैं और फिर वहाँ से निकलेंगे हिसार के लिए। कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे स्टोन माइनिंग का काम चलता है, तो ये सामने आप जो पहाड़ देख रहे हो ये खनक के पहाड़ है और अरावली हिल्स हैं,
तो इनको तोड़ा जाता है, ब्लास्ट करा जाता है और यहाँ से रोड़ी पत्थर बना के आगे घरों को बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में काम आता है। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद और नाश्ता करने के बाद हम आ गए यहाँ खेत में। तो खेत में गेहूं की कटाई चल रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे देख के आते हैं, थोड़ा बहुत ऐसा कुछ पास से देखने का मौका मिलता नहीं है, तो मैंने सोचा चलो चलते हैं। तो यहाँ पे कुआं देखा मैंने कि जो कि बहुत ज़्यादा गहरा था, तो थोड़ा दूर रहना ही ठीक है। उसके बाद हम सारे यहाँ पे खेत में बैठे, ताकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे गेहूं कट के रखे हुए हैं, बस आगे का प्रोसेस होना है और आगे के गेहूं कटने हैं। तो इनको कटने भी 5 से 6 दिन लगेंगे अभी, और काफ़ी मुश्किल काम है ये, क्योंकि धूप के अंदर और इतनी मेहनत का काम है ये, तो मतलब हैट्स ऑफ है। ये देखो ये गेहूं है, गेहूं एक पे, गेहूं तो ऐसे भी खाते हैं ना कच्चा। ये देखो इतने सारे बेर, और ये बेर का पेड़ यहाँ से, अब है नहीं इसमें बेर है, लेकिन ये ले इसमें नहीं है, टूट सारे टूट के गिर गया है नीचे, चला गया इसका मौसम। चलो अब चूल्हे की चाय पियेंगे, तो यहाँ बनेगी। मैं स्कूल खत्म हो गए मेरे, मैं कौन से स्कूल में पढ़ती हूँ पूछ रही है कि मैं कौन से स्कूल में पढ़ती है। मैंने कॉलेज भी पास कर लिया, ये लग रही छोटी है, 28 साल की, दिखती तो कौन है, 28 साल की है यार। गजब बेइज्जती है, गजब बेइज्जती है। चूल्हे की चाय पियेंगे हम। ये लकड़, इसको क्या बोलते हैं, लकड़ हो, लकड़ को लकड़ बोलते। अरे तो कुछ बोलते होंगे ना, कोई और, जैसे वो बोल रहा था, कार्तिक बोल रहा था ना कि ये तोड़ के लानी है, लकड़ी 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 बोलते हैं, बाड़ी की लकड़ी, बाड़ी की मतलब कपास, कपास जला पानी सी का जिंदर का चूल्हा का। वो चटनी बनाने वाले क्या है, वो कुंडी सोटा, कुंडी सोटा उसको लेके जाएंगे ना, उसपे चटनी, चटनी एक नंबर की लागू। गैस की चाय पी, पाउडर की चाय पी, मशीन की चाय पी, आज चूल्हे की चाय पियेंगे। देखो कितनी छोटी सी डोलची है, इसी के साथ बनती है चाय चूल्हे की। तो ये बाकी चाय जितनी भी ऑल ओवर चाय थी ना, सब में सबसे अच्छी बनी हुई है, मीठा भी बढ़िया बना हुआ है इसका। चाय पी लिया, अब चलते हैं बाहर, निकलते हैं खेत से। बाकी खेत भी मैंने आपको दिखा दिया कि गेहूं के खेत हैं, और ये देखो ये कटे हुए हैं गेहूं, और अभी उस तरफ को कटेंगे। ये देखो ये सारे गेहूं कटे हुए हैं, फटाफट भागना पड़ेगा, सारे फटाफट से गाड़ी में आके बैठ गए, क्योंकि यहाँ पे थ्रेशर मशीन के अंदर गेहूं निकाले जा रहे थे, तो उसका जो भूसा था वो सारा उड़ रहा था, तो उसकी वजह से नाक में सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो फटाफट से सारे आके बैठ गए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गेहूं निकल रहे हैं सामने से, निकल रहे थे ना, तो मेरी नज़र गई वापस जोड़ पे जिसमें हम सुबह आए थे ना, जो तालाब सा था। तो अब देखो यहाँ पे बहुत सारी भैंसें नहा रही हैं, तो मैंने बताया था ना कि यहाँ भैंसें नहाने आती है, कुत्ता भी नहा रहा है, पास चले। हाँ चलो, मुझे एक नई बात और पता चली कि भैंसों को तैरना आता है, क्योंकि आगे ना ये बहुत गहरा है, लेकिन गहरे में इतनी भारी भारी भैंसे कैसे जाती है, तो बाद में पता चला कि तैरती है। देखो कितना मस्त लग रहा है, इनको देख के मुझे भी मन कर रहा है कि फटाफट पानी में कूद जाओ। लेकिन उनको तो तैरना आता है, मुझे गहरे में तैरना नहीं आता। चलते अब घर वापस और खाना खाते हैं घर का बना हुआ, और फिर निकलेंगे यहाँ से वापस, आगे का कोई प्लान नहीं है, वापस दिल्ली। अच्छा हाँ, अभी एक दो जगह और देखनी है,
ये ना जब गांव आओ ना तो नई नई चीजें देखने को मिलती है। जैसे अभी मैंने वो दिखाया ना, तो वहाँ पे खेत में से वो निकल रहे थे गेहूं कट रहे थे, तो इसीलिए मैं भागते हुए चढ़ी थी गाड़ी के अंदर, क्योंकि वो कटते हैं ना तो उसमें से क्या निकलता है, क्या निकलता है जब गेहूं कटते, वो क्या था उड़ रहा था जो तूड़ी, तो वो उड़ रही थी ना, तो उसमें सांस नहीं ली जाती, इसलिए फटाफट भाग के सारे गाड़ी में चढ़ गए। तो उसके बाद हम आए यहाँ पे खेत के बीच में, तो सामने आप देख सकते हो कि ये मंदिर सा बना हुआ है, लेकिन ये मंदिर सा नहीं है, मुझे पहले लगा छोटा सा मंदिर है, लेकिन यहाँ पे बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है और वो बाद में काफी काम आता है। चप्पल पहन के ऐसे ही पीने का पानी है, पीने का पानी है, इसमें बारिश का पानी है। अच्छा, ओ तो ये सारा बारिश का पानी इकट्ठा होके और फिर पीने में इस्तेमाल हो जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट है, इतना साफ पानी है, स्वादिष्ट है ना। हाँ, फिल्टर से भी मतलब पानी ऊपर तक तो दिख रहा है ना। हाँ। लेकिन ये बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। देखो ये चेन बनी हुई ना, इस बाल्टी को अंदर भाग दो, फेंक दो, अब निकाल ले, अब निकालते हैं इसको ध्यान से, अंदर ना दे दो ना। अरे भाई, तो ये आ गया वापस पानी, पैर धो लो, धोने पैर, ये ठंडा पानी। है ना, कितना ठंडा पानी है। हाँ हाँ, मुझे डर था गर्मी दोपहर में नहीं, शाम को। हाँ। कैसा पौधा है, पूरा वो है ना मिट्टी मिट्टी, जैसे कैक्टस होता है ना वैसा कांटो जैसा है, और उसमें भी फूल निकले हुए पीले पीले, फूल में से। अच्छा चलो चलते हैं आगे, टिब्बे देखते हैं, जो छोटे छोटे पहाड़ होते हैं ना उनको देख के आते हैं। तो आगे नहर है मतलब पल्ली तरफ, तो चलो नहर देखते हैं कि नहर में पानी है कि नहीं है, मुझसे तो चढ़ा ही नहीं जा रहा, चप्पल फिसल रही है, पानी नहीं है। ये देखो ये नहर है, अगर इसमें पानी होता ना तो नहा सकते थे, बारिश आएगी ना तब इसमें पानी इकट्ठा होगा ना वापिस। हाँ। यहाँ नहर होती है। अच्छा पीछे से पानी छोड़ते हैं नदी वदी का, और फिर ये बहता हुआ जाता है ऐसे पूरे खेतों में, पूरे खेतों में जहां जहां पानी की कमी होती है। हाँ, सांप वूप तो नहीं होएगा, सोचा था कि नहाने के लिए, लेकिन कहीं से भी पानी, अभी इसमें भाग के आना पड़ेगा। चप्पल फिसल रही है यार, रुको टेक्निक होती है, पहले जाती हूँ, अब आती हूँ, रुको पहले ऐसे चप्पल फिसल रही है, नहीं तो मैं चढ़ जाती। तो घूम घूम के हम जैसे ही घर आए तो भाभी मेरे को बताने लग गई कि यहाँ पे ना सांप भी आ जाते हैं, तो कल रात को ये बात छेड़ चुकी थी, तो पूरी रात मुझे सांप के सपने आते रहे। तो अभी बता रही थी कि वो सोफा है ना कि मतलब दो दिन सांप घुसा हुआ था लंबा सा, और मैंने फोटो भी देखी कि कैसे मतलब कैसे बैठा हुआ था उधर सोफे के उत्तर, हाँ लंबा सा सांप था। ये जो रेतीले रेतीले खेत है ना, तो उस वजह से सांप भी यहाँ पे आते रहते हैं, और सामने ही खेत है घर के, तो ये भी अलग ही वो है, मतलब
डर डर के कल रात को मेरे को सांप के बारे में पता चल गया। मैं तो पूरी रात सपने में आता रहा कि कहीं बेड पे सांप आ जाए, कहीं उस पे सांप आ जाए, तो ऐसा होता रहता है। यहाँ पे सबको आदत है, बच्चों को भी सांप पकड़ना और मारना आता है, तो आ जाते हैं। ये दरवाज़ा खुला है ना, तो यहाँ से अंदर घुस जाते हैं घर में। पानी की टंकी जमीन के अंदर? अरे वाह, मैंने तो जमीन के अंदर पानी की टंकी कभी नहीं देखी। इसको साफ भी करते होंगे, गहरी होगी ये तो, देखो ज्यादा गहरी नहीं है, भर जाती है इसमें। मैंने छत पे टंकी देखी है, मटके वाली टंकी देखी है, और वो बहुत सारी पंजाब साइड पे बनी होती है ना, अलग अलग आकार की टंकियां। जमीन में टंकी नहीं देखी, अब देखिए आराम से गिर ना जाना भाई, पूरा चूतरे तक टंकी है। हाँ तभी तो पानी खत्म नहीं होता इसमें, अच्छा ये पूरा इतना सौ टंकी है, ये पूरा इससे टंकी है, पानी की टंकी, तभी पानी कम नहीं पड़ता ना। हाँ। तो अभी गाड़ी में घूम के आना, थोड़ा सा स्कूटी पे घूमते हैं, घूम कार्तिक चलाएगा, मैं बैठती हूँ, चलो। तो देखो ये खाली पड़ा है ना, यहाँ पे भी वो झोड़ पानी भरेंगे फिर इसमें, कि बारिश का पानी इकट्ठा हो जाएगा ना, भरेंगे अंडरग्राउंड वो ट्यूबवेल चला देंगे। अच्छा ये स्टेडियम है, अब ये घास वास उसके पहले तो साफ आएगा, पेड़ का स्टेडियम ना, सब सुधर आया, कबड्डी के मैच होते बहुत बड़े बड़े। अच्छा तब गांव का स्टेडियम देखो, अभी तो खैर घास वास उगी हुई है इसमें, क्रिकेट खेलने के लिए तो बहुत बड़ा है। अगर इसी टाइम पे मौसम अच्छा हो जाए ना, बारिश वाला, फिर मज़ा आए स्कूटी पे भी घूमने में, फिर मज़ा आए। जिम भी है इसमें। हम आए हैं जूस पीने के लिए गन्ने का, तो यहाँ पे बन रहा है, चलो घर के वालों के लिए भी पैक करा लेते हैं। कितने रुपए ग्लास है? 20 है, 30 है, कितने का पैक करे? थोड़ा सा ज्यादा डाल दो, कड़वा लगेगा, टेस्ट अजीब सा हो जाएगा ना। जूस पी लिया और पैक भी करा लिया, तो अब घर चलते हैं वापस, घर से वो ना रहे कि कहाँ चले गए हो। तो बाहर तो हो रही है बहुत ज्यादा गर्मी, तो अब खाना खाते हैं और चलते हैं यहाँ से हिसार की तरफ। तो खाना मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हम क्या खा रहे हैं। आज है खाने में कुछ ये देखो, ये है चना, चने की दाल, और साथ में है ये चटनी जो कि है टमाटर प्याज की और लहसुन की। देखो चटनी दिखाती हूँ, और चटनी के अंदर है घी, ये देखो ये सारा घी है, ये देखो। लेकिन जो कल वाली चटनी थी वो पिसी हुई थी, और ये पिसी हुई नहीं है, ये कटे हुए टमाटर और प्याज है, ये देखो। मैं खीरा, और साथ में ये अरे लाल सी है, तो ये है खाना। तो खाना खाते हैं आराम से, मतलब मैं खाना खा रही हूँ आराम से, और फिर उसके बाद निकल जाऊँगी हिसार के लिए, और फिर हिसार चलेंगे, तो फटाफट से खाना ख़त्म करते हैं। मैं खाना देसी हरियाणवी खाना, रोटी ले लेती हूँ, तो दो रोटी ही खानी है मुझे, तो दो रोटी बहुत है। तो इसी के साथ हमारी थाली होती है पूरी, वाइफ के साथ खाना खाते हैं। तो ये रही हमारी चटनी, तो पहले चटनी के साथ खाते हैं, और लस्सी। तो खाना पीना भी हो चुका है, तो खाना खा के ना एक संतुष्टि सी मिलती है कि हमने रोटी, जैसे हम रोटी वगैरह खाते हैं उसमें घी वगैरह भी पूरा हो जाए, पूर्ति हो जाती है खाने से। तो खाना भी खा लिया, और सादा खाना चटनी रोटी दही, तो सारी चीज़ों की पूर्ति होगी, घी भी हो गया, तो अच्छा लगता है मुझे ना ये देसी खाना खा के। बाकी थोड़ा सा घर का टूर देने के लिए सोचा तो था, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऊपर तो नहीं जा पाऊँगी, बाकी इधर है। और यहाँ पे पहले भैंसे बनती थी, भैंसे इसको क्या बोलते हैं जहाँ पे भैंसे बनती थी? बरांडा। बरांडा हाँ। और ये जामुन का पेड़,
ये तो जामुन का पेड़ है, इसमें अभी जामुन है नहीं। उगाड़ी बोलते हैं इसको। जामुन के पेड़ नहीं, यहाँ को उगाड़ी। इस आंगन को बोलते हैं उगाड़ी। और उधर मैंने आपको दिखाया था ना, जहाँ पे सांप मिला था वो थी बैठक। और इस तरफ पे घर है, तो बस इतना ही है। बाहर से तो मैंने दिखाई दिया, तो ऐसे ही होते हैं हरियाणा में घर ना, ऐसे बड़े बड़े खुले खुले। बालावास में आज का दिन हमारा कुछ इस तरह से गया जैसे मैंने आपको दिखाया। और अब सबको बाय बाय कहने का टाइम है, तो अब हम निकल रहे हैं हिसार के लिए। तो अगले व्लॉग में आप देखोगे हिसार की स्टोरी। चलेंगे भाई जल्दी, बाय।